आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हिजाब पर प्रतिबंध, वर्दी का एकमात्र विकल्प। भवानी नगर में भली सुबह पर एक बिल्डर की हत्या। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका का अब युद्ध में प्रवेश। विधायक अभय पाटिल ने हिजाब के मुद्दे पर कांग्रेस को दिए ताने। स्मार्ट न्यूज सखी महोत्सव में महिलाओं को मिला खेल का आनंद। भगवान महावीर जयंती मनाने के संबंध में प्रशासन को निवेदन। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार में। पिछले कुछ दिनों से चर्चा में चल रहे हिजाब के मुद्दे को राज्य उच्च न्यायालय ने सुलझा लिया है। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश बजाते हुए स्कूल और कॉलेजों में वर्दी का एकमात्र विकल्प रखा गया है। हिजाब से जुड़ी कुछ घटनाओं के बाद शहर और उसके आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इस पृष्ठभूमि में जगह जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने मंगलवार को हिजाब मामले के पक्ष में फैसला सुनाया। हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है। निर्णय से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी सभाओं, आंदोलनों, प्रदर्शनों और समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बेलगाम समेत राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। भवानी नगर में भली सुबह पर एक बिल्डर की हत्या। शहर में उपनगर भवानी नगर के पास मंगलवार सुबह एक बिल्डर की हत्या कर दी गई। उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि उनके आंख और मुंह में मिर्च पाउडर डाला गया, फिर उन पर वार किया गया है। इस घटना से तिलकवाड़ी भवानी नगर मंडोरी रोड क्षेत्र में खलबली मची है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजू मल्लप्पा दोड्डा बोमन्नावर, उम्र 45, मूल रूप से बस्तवाड़ का रहने वाला एक बिल्डर, वर्तमान में तिलकवाड़ी संस्कृति पार्क भवानी नगर में रह रहा था। उन्होंने एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में भी काम किया। मंगलवार की सुबह फोन करके उसे बुलाया गया। इसके बाद वह अपनी स्कोडा कार में घर से निकल गया। हालांकि एक घंटे के भीतर खबर आई कि उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक घटना क्षेत्र को लेकर किसी विवाद के चलते हुई है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका का अब युद्ध में प्रवेश। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका का प्रवेश हो गया है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण में उपयोग के लिए चीन से सैन्य उपकरणों की मांग की थी। इसके कुछ ही घंटे बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बड़ा निर्णय लिया है। रूस के सैन्य सहायता के अनुरोध पर रोम में शीर्ष अमेरिकी और चीन सहयोगियों के बीच बैठक से पहले चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ युद्ध करने का फैसला किया है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे युद्ध के मैदान में नहीं जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न घोषणाएं की है जो यूक्रेन के लिए एक बड़ी राहत मानी जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वालिडोमिर जेलेंस्की ने मांग की थी कि अमेरिका कुछ हफ्ते पहले बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान ही
हथियार मुहैया कराए। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी प्रत्यक्ष भूमिका की घोषणा के लगभग 3 सप्ताह बाद रूस 24 फरवरी से यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब युद्ध में यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया है, ऐसी जो बाइडेन ने घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति करेगा, ऐसा भी बाइडेन ने कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन से शरणार्थियों को सहायता प्रदान करना जारी रखेगा, जिन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। विधायक अभय पाटिल ने हिजाब के मुद्दे पर कांग्रेस को दिए ताने। प्रदेश में हिजाब को लेकर हंगामा करने वाली कांग्रेस को अब यह संदेश देना चाहिए कि अब समझदारी सीखनी चाहिए, ऐसा विचार विधायक अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। इसमें यह भी कहा गया है कि हमें इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हिजाब के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने इस संबंध में अपने विचार दर्ज किए हैं। कानून क्या कहता है यह जानने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने राज्य में हिजाब का मुद्दा उठाया। उन्होंने कर्नाटक राज्य में अशांति पैदा करने की भी कोशिश की। SFI जैसे संगठनों के जरिए राज्य में अराजकता पैदा की। हिंदू विपक्ष का जहर बोने की भी कोशिश की गई, क्योंकि कांग्रेस ने इसे उर्वरित किया। तथा कथित संगठनों को पकड़कर हिंदुओं पर अत्याचार करने का भी प्रयास किया गया है। कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह सरकार हो या समाज। कांग्रेस को अब इस संबंध में राज्य उच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा है, इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इससे समझदारी सीखनी चाहिए। स्मार्ट न्यूज सखी महोत्सव में महिलाओं को मिला खेल का आनंद। महिला दिवस के मौके पर स्मार्ट न्यूज की ओर से सखी महोत्सव का आयोजन किया गया। त्योहार महिलाओं के लिए एक वैचारिक वरदान था, उसके साथ ही महिलाओं ने मनोरंजन खेलों का भी आनंद लिया। इसे महिला वर्ग ने अपनी फूर्ति दिखाई, कौशल्य दर्शन भी किया। प्रारंभ में महिलाओं ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए गीतों की पंक्तियों का प्रदर्शन किया। इससे उनके गायन के आविष्कार का पता चला। टंग ट्विस्टर गेम ने इस खेल से कठिन वाक्यों का उच्चारण करने का कौशल दिखाया। मस्तक पर रखे बिस्किट खाना, गुब्बारों को फुलाकर और अपने गुब्बारे को दूसरों के चंगुल से बचाना जैसे मजेदार गतिविधियां भी शामिल थी। इसे महिलाओं को इनाम की सौगात भी मिली। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सेल्फी विद बाइक थी, जो एक मजेदार इवेंट भी था। इससे महिलाओं को मोटरसाइकिल संभालने के अपने सपने को पूरा करने का अवसर भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम को जगजंपी बजाज शोरूम द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। साथ ही पूरे त्योहार के लिए समर्थ सहकारी सोसाइटी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, अर्थकोटा शिक्षण संस्था और बाघ बकरी चाय का भी समर्थन मिला। स्मार्ट सखी महोत्सव विचार मंथन और मनोरंजन का अद्भुत मेल था। महिला वर्ग ने स्मार्ट न्यूज को धन्यवाद दिया। भगवान महावीर जयंती मनाने के संबंध में प्रशासन को निवेदन। पूरे जैन समुदाय की ओर से हर साल भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है। हालांकि 2 साल पहले कोरोना की स्थिति के कारण उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और इसलिए पूरे जैन समुदाय ने त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन को इसकी अनुमति देनी चाहिए, यह मांग भगवान महावीर जयंती उत्सव समिति की ओर से की गई है। महावीर जयंती जैन धर्म के सभी भाई एक साथ आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अन्य धर्मों के सभी तत्व भी एक साथ आते हैं। इनके माध्यम से बेलगाम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी इसका आयोजन किया जा रहा है। यह सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यह जानकारी इस जयंती उत्सव संघ के सचिव राजेंद्र जैन ने दी। इस समय संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटक, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or
5253 Visit us at www.poddarjewelers.com बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सरकार की योजना के तहत बीम्स में प्रशिक्षण पूरा कर चुके कर्मचारी अब सेवा में शामिल होने से कतरा रहे हैं। इससे युवकों को परेशानी हुई है। उन्होंने एक बयान में मांग की कि इन युवाओं को सेवा में शामिल किया जाए। इस आशय का एक बयान मंगलवार को कलेक्टर एमजी हिरेमठ के नाम प्रस्तुत किए गए। बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के तहत छात्रों ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया है। कोरोना काल के दौरान रोगियों को तत्काल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ऐसे कुल 15 छात्र हैं। उनसे कहा गया था कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें सेवा में समायोजित किया जाएगा। हालांकि उन्हें अभी तक सेवा करने का मौका नहीं दिया गया है, इसलिए उनकी पढ़ाई व्यर्थ जाने का डर सता रहा है। उन्हें बेरोजगारी की समस्या का सामना करने का भी खतरा है। इसे संज्ञान में लेते हुए सेवा में उन्हें स्थान देने की मांग की गई है। बयान देने के दौरान युवक वर्ग मौजूद रहा। कश्मीर फाइल्स मूवी के लिए विधायक अभय पाटिल द्वारा निशुल्क पास का वितरण। फिल्म कश्मीर फाइल्स, जो वर्तमान में पूरे देश में प्रसारित हो रही है, सभी हिंदुओं को देखना जरूरी है, इसलिए यह फिल्म देखी जानी चाहिए। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने अपील की। साथ ही इस फिल्म के देखने के लिए बेलगाम साउथ विभाग के हर वार्ड में पासों से 1000 मुफ्त पास बांटे जाएंगे। इसकी डिलीवरी अगले शुक्रवार से अगले 25 दिनों में की जाएगी। ये पास रात 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रकाश थिएटर में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही ये पास भाजपा महाशक्ति केंद्र प्रमुखों और पार्षदों को भी उपलब्ध होंगे। नागरिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। साथ ही ये पास भाजपा महाशक्ति और केंद्र प्रमुख और पार्षदों के पास उपलब्ध होंगे। नागरिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर हिंदू को यह फिल्म देखनी चाहिए, ताकि भविष्य में बेलगाम, भिवंडी और कश्मीर में न बदल जाए। यह कश्मीर में हिंदू समुदाय के खिलाफ अन्यायपूर्ण अत्याचारों की वास्तविकता को दर्शाता है। इस फिल्म को देखने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसा अन्याय न हो। कश्मीर में हिंदू महिलाओं पर अत्याचार और शिशुओं की हत्या भी देखी जाती है। हजारों हिंदू कैसे विस्थापित हुए, इसके बारे में भी दर्शन होता है। हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, जिनमें से लगभग 5% को फिल्मों में देखा जा चुका है। वास्तव में समुदाय ने अधिक गंभीर स्थिति का अनुभव किया है, इसलिए हर हिंदू को यह फिल्म देखनी चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील की। कर्नाटक सरकार की तरफ से शारदोत्सव के लिए 5 लाख रुपए प्रदान। बेलगाम की सांस्कृतिक धरोहर रहने वाले शारदोत्सव कार्यक्रम को कर्नाटक सरकार ने 5 लाख रुपए का फंड दिया है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल के चलते यह फंड दिया गया है। इसके लिए शारदोत्सव महिला समिति की पदाधिकारियों ने अभय पाटिल का आभार व्यक्त किया। उन्हें बधाई भी दी गई है। शारदोत्सव इस साल अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। कर्नाटक सरकार ने संगठन की गतिविधियों के लिए 5 लाख रुपए प्रदान किए हैं। इस तरह कर्नाटक सरकार की यह मदद मराठी सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित करने वाले संगठन के लिए अमूल्य हो गई है। इस अवसर पर शारदोत्सव महिला समिति अध्यक्ष माधुरी शानबाग, उपाध्यक्ष मेधा देशपांडे, सचिव कीर्ति दोडन्नावर, निर्देशक स्वाति फड़के, निर्मला कलिमन्नी, संजीवनी खंडागड़े और आशा कुलकर्णी आदि उपस्थित थे। ब्राह्मण समाज उद्यमी संघ की बैठक संपन्न।
ब्राह्मण उद्यमियों की एक बैठक हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के साथ साथ शैक्षिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। व्यवसायिक भरत देशपांडे की अध्यक्षता में उद्यम बाग में एक बैठक हुई। इस बैठक में ब्राह्मण भवन बनाने का निर्णय लिया गया। कई छात्र आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ देते हैं। उद्यमी माधवाचार्य ने विचार व्यक्त किया कि ऐसे छात्रों को ढूंढकर उनकी मदद की जानी चाहिए या उन्हें गोद लिया जाना चाहिए और शिक्षा का खर्चा उन्हें वहन करना चाहिए। उद्योग नागरिकों के लिए कई वर्गों को व्यवसाय के माध्यम से जोड़ता है, इसलिए सभी से गरीब छात्रों को ढूंढकर उनकी मदद करने की अपील की गई। सब राजी हो गए। उद्यमी देशपांडे को सरकार की सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, उन्होंने ऐसी अपील की। उद्यमी राम भंडारी ने कहा कि संगठन का काम और भी तेजी से हो। उन्होंने यह भी अपील की कि सामुदायिक बैठकें कर संगठन को मजबूत किया जाए। उपाध्यक्ष आरएस मुतालिक, अनुश्री देशपांडे, विलास जोशी, विलास बादामी, संजीव कुलकर्णी आदि उपस्थित थे। होली और रंग पंचमी शांति से मनाने की अपील। पुलिस अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि रंग पंचमी के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसका ध्यान रखें। रंग पंचमी और धूलिवंदन की पृष्ठभूमि में खड़े बाजार और तिलकवाड़ी थाने में शांति बैठक हुई। इंस्पेक्टर राघवेंद्र हवालदार ने तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक बैठक की, जबकि खड़े बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिलीप निम्बाड़कर ने एक बैठक की और पैनल के वरिष्ठ सदस्यों को बैठक का उद्देश्य समझाया। डॉल्बी का प्रयोग न करें, सरकारी कार्य के लिए जा रहे लोगों पर रंग न फेंके, वाहन तेजी से न चलाएं, युवतियों के साथ छेड़छाड़ी न हो, अन्यथा पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी पुलिस अधिकारियों ने दी है। युवा समिति द्वारा बसवन कुर्ची में शैक्षिक सामग्री का वितरण। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति द्वारा संचालित शैक्षिक पहल के तहत प्रत्येक वर्ष की 14 तारीख को सरकारी प्राथमिक मराठी स्कूल बसवन कुर्ची में अपनी मातृभाषा में पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरण की गई। युवा समिति के पदाधिकारियों संकेत रावलुचे और महंतेश कोलुचे ने इस पहल की जानकारी दी। शिक्षक देसुरकर सर ने इस पहल के उद्देश्य के बारे में छात्रों को आश्वस्त किया। इस अवसर पर अन्य शिक्षक एचडीएमसी अध्यक्ष उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।